एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिकॉग्निशंस टूल इसके फिस के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल, आप देख रहे हैं टेकचिप यूट्यूब चैनल। इसकी फिस एक फुली ऑटोमेटेड वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिकॉन टूल है। इसकी मदद से टारगेट वेबसाइट का इंटरेक्टिव साइट मैप तैयार किया जा सकता है। इसके लिए ये क्रॉल और डायरेक्टिव बेस्ड प्रॉप्स का यूज करता है। इसके द्वारा टारगेटेड वेबसाइट्स की सिक्योरिटी खामियों का पता लगाया जा सकता है। ये कई तरह की सिक्योरिटी चेक ऑटोमेटिक ट्राई करता है, जैसे कि ब्लाइंड एसक्यूएल, एक्सएमएल इंजेक्शन, ब्लाइंड सेल इंजेक्शन, एक्सेसेस आदि। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन लीक, सर्वर एरर, इमेजेस, हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टिव भी हाईलाइट करता है और इन सब की एक प्रॉपर रिपोर्ट भी जनरेट की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं हम इस टूल को कैसे यूज में ले सकते हैं। ये टूल आपको काले लिनक्स, पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम, बैकबॉक्स और भी पेंटेस्टिंग ओएस में प्री इंस्टॉल मिल जाएगा, या फिर आप इसको गिटहब की रिपोजिटरी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये टूल आपको गूगल कोड आर्काइव पर भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप यहाँ पर काले लिनक्स को भी यूज़ में ले सकते हैं, ठीक वैसे ही काम करेगा। तो सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन कर लीजिए। तो हम इसके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए हम कमांड लगाएंगे इसके fish-h। तो यहाँ पर इसकी हेल्प खुल जाएगी, आप यहाँ से जान सकते हैं कि इस टूल को कैसे यूज़ में लेना है। आपको यहाँ पर कई तरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस ऑप्शंस, क्रॉल स्कोप ऑप्शंस, रिपोर्टिंग ऑप्शंस, डिक्शनरी मैनेजमेंट ऑप्शंस। इसके अलावा आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस सेटिंग्स और अदर सेटिंग के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जिनका यूज़ करके आप अपने स्कैन को कस्टमाइज कर सकते हैं और एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस टूल का यूज़ कैसे ले सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। तो सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ। तो मैंने कमांड लगाया cd desktop। इसके बाद हम कमांड लगाएंगे skip fish-o। इसके बाद आपके डायरेक्टरी का नाम, जहाँ भी आप स्कैनिंग रिजल्ट सेव करना चाहते हैं उस नए फोल्डर का नाम टाइप कर दीजिए। तो मैंने टाइप कर दिया टेकचिप। उसके बाद आपके टारगेट वेबसाइट का URL, जो भी वेबसाइट आप स्कैन करना चाहते हैं वो URL टाइप कर दीजिए। यहाँ पर मैं अपनी लोकल वेबसाइट ही स्कैन कर रहा हूँ, जिस पर कि वर्डप्रेस का यूज़ हो रहा है। तो मैंने टाइप कर दिया 192.168.1.156। एंटर दबाएंगे। ये देखिए, आप यहाँ पर इसके कुछ यूज़फुल टिप्स देख सकते हैं कि इसको कैसे यूज़ में लेना है। ये सब रीड करने के बाद आप कोई भी की प्रेस कर दीजिए, उसके बाद स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमारा डेस्कटॉप पर एक फोल्डर भी बन चुका है जो हमने नाम दिया था। इसी फोल्डर में सारे स्कैनिंग रिजल्ट सेव होंगे। आप यहाँ पर स्कैनिंग स्टैटिक्स भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्कैनिंग का टाइम, HTTP रिक्वेस्ट, यदि कोई एरर आता है तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप डाटाबेस स्टैटिक्स भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर स्कैनिंग के दौरान जो भी इशू फाउंड होंगे उनके नंबर्स आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने स्कैनिंग रिजल्ट की समरी चेक कर सकते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि अभी करंट में कौन सा URL स्कैन हो रहा है, तो इसके लिए आप स्पेस बार प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अभी करंट में कौन कौन से URL स्कैन हो रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये URL स्कैन हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे लोकल सर्वर की वर्डप्रेस वेबसाइट स्कैन हो रही है। तो जितनी भी इसके अंदर फाइल्स और लिंक्स इसको मिलेंगी सभी यहाँ पर स्कैन होंगे। आप यहाँ पर करंट URL चेक कर सकते हैं कि अभी कौन सा URL स्कैन हो रहा है। यदि आप वापस से बैक जाना चाहते हैं तो वापस से स्पेस बार प्रेस कर दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर बैक आ जाएंगे। तो स्कैनिंग में यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये डिपेंड करेगा वेबसाइट के डाटा के ऊपर कि वेबसाइट कितनी बड़ी है, इसके अलावा आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर और आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो यहाँ पर स्कैनिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग को कर देता हूँ पॉज, और जैसे ही स्कैनिंग कंप्लीट होगी हम वापस से रिज्यूम करेंगे। ये देखिए, 20 मिनट हो गए हैं और अभी भी स्कैनिंग कंटिन्यू है, अभी भी URL से स्कैन हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं स्कैनिंग को बीच में स्किप कर देता हूँ। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+C, तो स्कैनिंग यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। ये देखिए, स्कैनिंग स्टॉप हो चुकी है और जो भी स्कैनिंग रिजल्ट हैं वो सारे इस फोल्डर में सेव हो जाएंगे। ये देखिए, आप इस लिंक पर जाकर स्कैनिंग रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने फोल्डर ओपन किया और यहाँ पर आपको फाइल मिल जाएगी index.html। मैं इसको अपने ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आप इसके फिश का स्कैनिंग रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि टारगेट वेबसाइट के अंदर क्या क्या इशू मिले हैं। आपको यहाँ पर क्रॉल रिजल्ट मिल जाएगा, यहाँ पर इंडिकेटर भी दे रखा है कि किस टाइप के इशू यहाँ पर फाउंड हुए हैं। ये देखिए, इसके अलावा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइप्स ओवरव्यू, कि स्कैनिंग के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल्स यहाँ पर फाउंड हुई हैं, सभी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए, ये सारी जावास्क्रिप्ट्स हैं जो कि यहाँ पर मिली हैं। आप यहाँ पर किसी भी लिंक को ओपन कर सकते हैं, सिंपल से उस पर क्लिक कर दीजिए, वो लिंक ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि उस फाइल में क्या लिखा हुआ है। ये XHTML और XML फाइल्स हैं। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज फाइल्स मिल जाएंगी। ये इमेज फाइल्स हैं, ये सारी PNG फाइल्स इस वेबसाइट में मिली हैं।
आप सभी के लिंक्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर GIF, PNG, BMP, CSS, HTML, प्लेन टेक्स्ट, ये सारी फाइल यहाँ पर इसको स्कैनिंग के दौरान मिली हैं। आप यहाँ पर किसी भी फाइल का डाटा चेक कर सकते हैं। सिंपल से उस लिंक पर क्लिक कर दीजिए, वो लिंक वहाँ पर आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टारगेट वेबसाइट के अंदर कौन कौन से इशू फाउंड हुए हैं। इशू के आगे इंडिकेटर दे रखा है जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी लेवल की रिस्क है। ये देखिए यहाँ पर ये हाई लेवल की रिस्क है, आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये एक्सपेंड हो जाएगा कि इशू वेबसाइट की किस लोकेशन पर मिला है। वो पूरी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि ये देखिए, ये मीडियम लेवल की रिस्क है, मैंने इसको एक्सपेंड किया। आप यहाँ पर सारी लिंक्स चेक कर सकते हैं कि कौन सी लिंक में ये इशू मिले हैं। तो इस टाइप के काफ़ी सारे इशू यहाँ पर डिटेक्ट हुए हैं, आप इन पर क्लिक करके इसको एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं। आप उनको यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर इसको कुछ HTML फॉर्म्स मिले हैं जिनके अंदर XSRF प्रोटेक्शन नहीं है। ये देखिए सारी लिंक्स यहाँ पर शो हो रही हैं। तो ऐसे यहाँ पर काफ़ी सारे इशू टारगेट वेबसाइट में मिले हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर इसको पासवर्ड एंट्री फॉर्म मिला है जिस पर कि ब्रूट फोर्स अटैक ट्राई किया जा सकता है। आप यहाँ पर ये लिंक चेक कर सकते हैं। इस लिंक को मैंने ओपन किया तो यहाँ पर PHP माई एडमिन ओपन हो चुका है और इसके पासवर्ड फॉर्म के अंदर ब्रूट फोर्स अटैक ट्राई किया जा सकता है। यहाँ पर ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन इनेबल नहीं है। तो इस टाइप के काफ़ी सारे इशू आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर इसको कुछ हिडन फाइल्स और डायरेक्टरीज भी मिली हैं, सभी की लिस्ट यहाँ पर आ रही है। आप इन लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। तो इस तरह से आप स्किप फिश का यूज़ करके वेबसाइट की कमियों का पता लगा सकते हैं, उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें किस तरह की खामियां उसको मिली हैं। काफ़ी पावरफुल टूल है। तो यदि आप एक बग हंटर हैं तो ये टूल आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। आप इसके द्वारा वेबसाइट के अंदर बग ढूंढ सकते हैं, उनकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, उसको अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं और इन इश्यूज़ को फिक्स करके आप वेबसाइट को और सिक्योर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ नई जानकारी आपको यहाँ पर मिली होगी, आप समझ गए होंगे कि स्किप फिश टूल को कैसे यूज़ में लेना है, इससे कैसे वेबसाइट स्कैन की जाती हैं, कैसे इससे वेबसाइट के अंदर बग और इशू फाउंड किए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर एथिकल हैकिंग के बारे में, वाइट हैकिंग की टेक्निक्स और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में। देखते रहिए टेक चिप। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।